हेलो एवरीवन सो इन दिस लेसन वी विल कंटिन्यू आर डिस्कशन ऑन पीटर एफ ट्रकर सो पीटर एफ ट्रकर पे लास्ट लेसन में हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी कुछ कंट्रीब्यूशन पढ़ ली थी और कुछ कंट्रीब्यूशन रह गई थी विच वी विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो दिस इज़ पार्ट टू ऑफ पीटर ट्रकर राइट सो दिस इज़ द स्लाइड ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर ड्रगर्स तो हमने सिक्स मेन हेडिंग्स में जो ड्रगर की कंट्रीब्यूशन रही हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट में उसको डिवाइड किया था विच वर नंबर वन मैनेजमेंट इज जेनरिक ये हम कर चुके हैं कि मैनेजमेंट जेनरिक इन नेचर है चाहे बिजनेस आपका हो या फिर आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो इट डज नॉट मैटर ओके मैनेजमेंट इज सेम उसको हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं नंबर टू व्यूज़ ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट तो ड्रकर वॉज अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत रिजिस्ट करती है चेंज को उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है उसने परफॉर्म नहीं किया है और बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो है उन्होंने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की की थी पुराने प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते रहते हैं उनको अबंडन नहीं किया जाता है तो सिस्टमैटिक अबंडनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ड्रक्कर ने हमको दिया था तो वी हैड स्टडीड दैट देन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एजेंसीज की पब्लिक एजेंसीज ने परफॉर्म नहीं किया है एंड परफॉर्म क्यों नहीं किया है क्या कारण रहे तो वो छः सिंस छः पाप जो थे वो भी ड्रक्कर ने दिए थे उसके बाद जो हमने आज करना है वो है रीस्ट्रक्चरिंग गवर्नमेंट फिफ्थ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और एमबीओ एंड सिक्स्थ इज नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉलेज वर्कर राइट सो वी विल स्टार्ट टुडेस लेसन विद स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग गवर्नमेंट राइट सो रीस्ट्रक्चरिंग गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट हमने देख लिया है कि कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया ड्रकर uh, ने गवर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन को तो अब उसको ठीक तो करना पड़ेगा ठीक है तो उन्होंने सजेशन दी कि उसको रीस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर करना है अब रीस्ट्रक्चर कैसे करें क्या क्या चेंजेस लाएं गवर्नमेंट में ठीक है उसको रिफॉर्म कैसे करें सो ही सेटेड गवर्नमेंट नीड्स टू बी डी एंड डी ब्यूरोटाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट में और उसको डी ब्यूरोटाइज करने की ज़रूरत है बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के जो लोग हैं उन्हीं के पास सारे स्किल्स हों सारे नॉलेज हों ठीक है तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो नीचे भी आप लेकर आओ ठीक है डिसेंट्रलाइज करो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन वो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो भी है पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो नीचे के लेवल्स पे भी बहुत इंटेलिजेंट बहुत इनोवेटिव बहुत सजेस्टिव लोग हो सकते हैं जरूरी नहीं है टॉप लेवल सेंट्रल लेवल पे ही सारे लोग जो हों के पास सारा ज्ञान हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट सो देर इज अड ऑफ डी सेंट्रलाइजेशन एंड डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन जैसे हमने देखा ही क्रिटिसाइज द ब्यूरोक्रेसी उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी चेंज लाना ही नहीं चाहती ठीक है बहुत ज्यादा इनर्शिया है काम करने की आदत नहीं है तो उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो एक तो ये टेंडेंसीज कम करनी है ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म लेके आने हैं और ब्यूरोक्रेसी का नंबर को हम कम कीजिए है ना हमने देखा था कि ओवर स्टाफिंग को कहते हैं कि अगर आपने फेल होना है नॉन परफॉर्मेंस लानी है तो नॉन परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा बड़ा कारण है कि बहुत ज्यादा ओवर स्टाफिंग है ओक राइट तो हमने सिंस में पढ़ा था दैट फैट इज़ ब्यूटीफुल ये जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट में दैट इज रॉन्ग डी तो ब्यूरोक्रेटाइज़ करने की जरूरत है गवर्नमेंट फार मोर कैन इफेक्टिवली हैंडल ठीक है जितनी क्षमता नहीं है हैंडल करने की उससे भी ज्यादा गवर्नमेंट है काम ले रही है ये उस टाइम की गवर्नमेंट की वो बात कर रहे हैं वैसे जनरल बात कर रहे हैं पर इन स्पेसिफिक यूएस गवर्नमेंट की उन्होंने जो थी बात की थी राइट कि बिकॉज वेलफेयर स्टेट है तो सब कुछ को जो है बेसिकली गवर्नमेंट ने करना था तो वो कह रहे हैं कि इतनी कैपेसिटी नहीं है इतनी कैपेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट में कि वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाए और उनको पूरा कर सके इफेक्टिवली फिर भी जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा काम ज़्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेती रहती है अंडर देन वट ही से गवर्नमेंट शूड अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए गवर्नमेंट शुड अंडरटेक लिमिटेड टास्क बट रेगुलेट मोस्टली अदर्स जो ज़रूरी काम है वही गवर्नमेंट करे और बाकियों को सिर्फ रेगुलेट करे खुद ना करे इट शुड ओनली रेगुलेट मोस्टली अदर टास्क एंड इट शुड परफॉर्म लिमिटेड टास्क ताकि जो खुद जो काम कर रही है वो इफेक्टिवली हो सके राइट सो अंडरटेक डिफेंस जस्टिस इंटरनल ऑर्डर एट्सेट्रा तो इन्होंने एग्जाम्पल दी कि किस तरीके के काम जो है गवर्नमेंट को खुद करने चाहिए फॉर एग्जाम्पल डिफेंस डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस जो है गवर्नमेंट अपने हाथ में ले जस्टिस इंटरनल ऑर्डर ठीक है एटसेकट्रा फॉर एग्जाम्पल एटामिकनर्जी ये चीजें जो है गवर्नमेंट अपने आप अपने पास लें और खुद परफॉर्म करें लेकिन बाकी जो एक्टिविटीज हैं इट शुड गिव टू अदर एजेंसीज फॉर एग्जाम्पल फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन गार्बेज कलेक्शन एंड फायर प्रोटेक्शन शुड भी इन प्राइवेट हैंड्स अब ट्रांसपोर्टेशन चलानी है कम्युनिकेशन हो सकता है गार्बेज कलेक्शन सपोज कूड़ा जो इकट्ठे करने का काम है राइट फायर प्रोटेक्शन फायर फाइटिंग Uh, का जो काम है वो आप प्राइवेट एजेंसीज को भी दे सकते हो क्या पता वो गवर्नमेंट से अच्छा भी ये जो काम है वो कर लें राइट सो ही सेट दैट फॉर्मुलेट गवर्नमेंट शुड ओके यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है दैट फॉर्म गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट ब्रॉड गोल्स एंड पॉलिसीज वो मोटे मोटी जो है ब्रॉड जो है गोल्स एंड पॉलिसीज़ बनाए एंड एंट्रस्ट एग्जीक्यूशन टू नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और उनको जो एग्जीक्यूट करने का काम है उन पॉलिसीज़ को उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो एन को दे दे या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दे ठीक है जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को दे दे या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे दे तो गवर्नमेंट को लिमिटेड टास्क अपने पास रखने चाहिए ताकि वो उनको इफेक्टिवली कर सके बाकियों को आप चाहे प्राइवेटाइज करो आउटसोर्स करो जो मर्जी करो पर खुद मत करो खाली रेगुलेट करो उनको राइट देन ही सेज दैट रीजन्स ऑफ नॉन रिजल्ट हैव बीन रेजिस्टेंस बाय ब्यूरोसी जिस हमने बार बार ये चीज़ देख ली है वो कहते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों नहीं रिजल्ट आ रहे हैं क्योंकि जो ब्यूरोसी है वो रेजिस्टेंट है वो चेंज लाना नहीं चाहती ठीक है वो चेंज uh, को एम्बरेस uh, नहीं करती ठीक है इट डज नॉट वॉन्ट टू चेंज इन अर्शिया है तो रेड टेप एंड इन एन रूल्स रेड टेपिज्म तुम्हें पता है जो डिले होता है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में एंड इन एन रूल्स इन एन का मतलब होता है वेरी सिली या फिर जि, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है जो इफेक्टिव नहीं है बना दिए पर ऐसे ही चल रहे हैं ठीक है दैट इज़ इन इन रूल्स विच आर नॉट वेरी इफेक्टिव तो ऐसी मतलब ब्यूरोक्रेसी की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करना है पर आप देखो तो सही कि क्या वो रूल्स आज के टाइम में वैलिड हैं भी कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि सौ डेढ़ सौ साल का पुराना कोई रूल चला रहा है और ए, आग, आज अगर हम देखें तो ऐसा है कितनी कितनी चीज़ें ऐसी हैं कितने कितने, है, कितने, -कितने एरियाज ऐसे हैं जिसमें लॉज जो हैं वो सौ डेढ़ सौ साल पुराने जो ब्रिटिशर्स बनाकर गए थे वही लॉज जो हैं चल रहे हैं ओके तो अमेंडमेंट्स आर नीडेड चेंजेस आर नीडेड बाय टाइम के साथ जरूरी नहीं है कि जो भी रूल हो बस सही ही हो राइट सो बेसिक अप्रोच ऑफ इवन डेडिकेटेड पीपल इन गवर्नमेंट इज रॉन्ग नाउ इफ़ सपोज आप मानिए कि अगर तो रूल ही गलत चल रहा है टाइम के हिसाब से नहीं है तो चाहे आप डेडिकेटेड भी हो आप सिंसियर हो आप ऑनेस्ट ऑफिसर भी हो बट आपको अगर रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा तो आप आप भी गलत हो जाओगे बिकॉज द रूल इज रॉन्ग एंड इफ यू आर फॉलोइंग दैट द रोंग रूल यू विल ऑल्सो भी परफॉर्मिंग द रोंग थिंग सो बेसिक अप्रोच अगर डेडिकेटेड पीपल जो है गवर्नमेंट में उनकी भी अप्रोच जो है गलत हो जाती है राइट सो अटैम्प टू पैच एंड स्पॉट वेल्ड ये टर्म यूज करते हैं ड्रक अटैम्प टू पैच इन स्पॉट वेल्ड कैन नेवर ही वट डज दिस टर्म मीन पैच सपोज कोई कपड़ा फट जाता है तो समटाइम्स वट वी डूज पैच लगा देते हैं ठीक है तो कभी कभी तो चल सकता है लेकिन अब कितने पैचेज लगाओगे एक कपड़े के ऊपर सपोज कहीं से ख़राब हो गया है फट गया है सो हाउ मेनी पैच विल यू पुट ठीक है लॉन्ग टर्म में तो वो ज़्यादा नहीं चल सकता अगर हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वो पैचिंग की अप्रोच पैच लगाने की अप्रोच और स्पॉट वेल्ड कुछ टूट जाता है तो वहाँ पे वेल्डिंग कर देते हैं ठीक है तो कितनी जगह वेल्डिंग करोगे कोई चीज़ ख़राब हो गई है ठीक है तो इससे रिजल्ट नहीं आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में सो सिर्फ पैचिंग एंड स्पॉट वेल्ड मतलब टेम्प्रोरी कोई सिम्टम आया कोई आपको दिख रहा है कहीं सिम्टम आ रहा है आप उस सिम्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और जब तक आप उस बीमारी की उस प्रॉब्लम की रूट कॉज तक नहीं जाओगे तो हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली राइट सो ही से रेडिकल चेंजेस आर रिक्वायर्ड रिवोल्यूशनरी चेंजेस आर रिक्वायर्ड पूरा सिस्टम हमें चेंज करना पड़ेगा रिफॉर्मेशन रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे ये छोटे मोटे ऐसे जो आप टाइम पे पैच कर देते हो लगा देते हो या स्पॉट बिल्ड कर देते हो मतलब टेम्प्ररी आप जो इलाज कर देते हो दैट इज ऑफ नो गुड दैट इज ऑफ नो यूज़ सो ही सेज़ ए कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट शुड बी बिल्ड इन टू द गवर्नमेंट फंक्शनिंग विच विल कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर सिस्टम के अंदर ही एक ऐसे सिस्टम लेके आइए कि अपने आप ही इम्प्रूवमेंट हो मतलब परफॉर्मेंस इवेलुएशन हो अपने आप हम चेक करें फॉर एग्जांपल हम हम ऐसा सिस्टम लेके आ सकते हैं कि आफ्टर एवरी फिफ्टीन इयर्स हमें अपने रूल्स देखने हैं लॉज देखने हैं कि वो प्रेजेंट टाइम के साथ मैच uh, uh, करते हैं कि नहीं टेबल है कि नहीं सो दिस आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल राइट सो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट शुड बी बिल्ट इन टू द गवर्नमेंट फंक्शनिंग उस इम्प्रूवमेंट को एक हैबिट बना दो ठीक है उसको अपना गवर्नमेंट uh, फंक्शनिंग के अंदर ही इंक्लूड कर दो कि कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद हम चेक करते रहे कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं इंप्रूवमेंट के लिए हम रिफॉर्म्स लेके आते रहें सो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज नीडेड ऐसा नहीं है कि आपने आज इंप्रूव कर दिया सारा सिस्टम उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी अगले सौ डेढ़ सौ साल के लिए दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज नीडेड राइट एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड इन आर लाइफ ऑल्सो राइट सो ना नेक्स्ट इज बेंच मार्किंग नाउ बेंच मार्किंग क्या होता है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद ऑल अदर्स एंड मेकिंग द बेस्ट द स्टैंडर्ड ठीक है सपोज़ अभी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं और जो सबसे अच्छा काम कर रहा है उसको देखना कि वो क्या सबसे अच्छा कर रहा है ठीक है और वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है ठीक फॉर एग्जांपल और जो प्रैक्टिस वो आ, आ, एडॉप्ट कर रहा है वो डिपार्टमेंट या फिर जो उसकी सबसे अच्छी जो आउटपुट निकल के आ रही है उसको स्टैंडर्ड बना देना सपोज अगर मेरी क्लास में टेन स्टूडेंट्स हैं और अगर एक स्टूडेंट जो है उसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं फॉर एग्जांपल लगा लीजिए एटी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड तो मैं एटी फाइव को अगर बेंच बना दूँ कि इतने ही सबके आने चाहिए ओके स्टूडेंट्स के केस में इट विल नॉट बी गुड बिकॉज सबका अलग अलग सिस्टम होता है बट हेयर बेंच मार्किंग मीन्स दिस कंपेयरिंग करनी है परफॉर्मेंस की एक दूसरे के साथ और जो भी बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं उनको स्टैंडर्ड बना देना दिस इज कॉल्ड बेंच मार्किंग एक बेंच मार्क सेट कर दो एक स्टैंडर्ड सेट कर दो नेक्स्ट इज रेडिकल चेंजेस इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस नीडेड विच ब्यूरोक्रेसी एंड यूनियंस फ्यसली रेजिस्ट पॉलिसीज में चेंजेस की जरूरत है रेडिकल चेंजेस रेवोल्यूशनरी चेंजेस की जो है बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस की ज़रूरत है पॉलिसीज में और प्रैक्टिस में ठीक है लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है या यूनियन वाले हैं यूनियन्स हैं जो भी अलग अलग वो इन चीज़ों को रेजिस्ट करती है दे डोंट वॉन्ट टू चेंज उसके बाद है पेनल्टीज पेनल्टीज लगाई जाए गवर्नमेंट सेक्टर में भी लाइक बजटरी कट्स फॉर नॉन परफॉर्मेंस अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उसको और वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उनका बजट कट कर दो ठीक है और अगर इंडिविजुअल्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप उनकी सैलरी कम कर सकते हो जिससे सैलरी एस एस्टे के यहाँ पे ठीक है उनकी सैलरी कम कर सकते हो उन्हें आप डिमोट कर सकते हैं उनको रिटायर भी कर सकते हैं सो तो इस तरीके से पेनल्टीज लगाइए ताकि आप जो ह्यूमन बींग्स हैं वो काम करें नेक्स्ट इज ओल्ड एंड ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी रीस्ट्रक्चर्ड अदरवाइज दे बिकम अनगवर्नेबल चाहे ओल्ड है पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर जो ग्रो कर रही हैं चाहे नई हो मतलब हर सारी ही आ गई चाहे चाहे पुरानी है चाहे है नई जो ग्रो कर रही हैं दे नीड टू बी रीस्ट्रक्चर उनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है अदरवाइज दे विल बिकम अनगवर्नेबल ठीक है तो रिस्ट्रक्चर कैसे करना है हमने कुछ पॉइंट देखें जैसे पेनल्टीज लगाकर राइट बेंच मार्किंग कर कर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को एक सिस्टम के अंदर ही इन्वॉल्व कर कर तो ये जो बातें हैं ट्रकर ने बोली नाउ

के बारे में थोड़ा बहुत बात किया है इनके राइटिंग्स में इसका जिक्र मिलता है बट उन्होंने टर्म नहीं यूज करी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स तो मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव जो टर्म है वो ड्रक्कर ने दी है पर कंसेप्ट के बारे में पहले भी बात हुई है डिस्कशन हुई है राइट right? सो so, अगर कई बार ऐसे हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट दे दे, दे that for, uh, फर्स्ट वन टू by objectives. So, वो स्टेटमेंट गलत हो सकती है उसने दी, पर concept पहले भी था, right? so, अब MBO है क्या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखेंगे द प्रोसेस प्रोसेस किसका ऑफ डिफाइनिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजमेंट कैन कन्वे टू ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ठीक है ये प्रोसेस है किसका जब हम कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट कर लें एक ऑर्गेनाइजेशन के जिनको जो मैनेजमेंट है वो हर अपने मेंबर को बताए जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको भी वो ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएं देन डिसाइडिंग हाउ टू अचीव ईज ऑब्जेक्टिव इन सीक्वेंस फिर डिसाइड करना कि उन ऑब्जेक्टिव्स को सीक्वेंस में कैसे जो है अचीव करना है इट अलाउज मैनेजर्स टू टेक वर्क दैट नीड्स टू बी डन वन स्टेप एट अ टाइम टू अलाउ फॉर अ काम येट प्रोडक्टिव वर्क एनवायरमेंट ना लेट मी गिव एन एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो भी गोल है उसको okay, बोल दिया जी जी से जो भी गोल है उसको ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया की इस मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पार्ट में डिवाइड कर लिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं जो भी गोल है हमारा उसको मैं ओ वन ओ टू ओ थ्री थ्री ऑब्जेक्टिव में डिसाइड कर लिया ठीक है उसको मतलब टुकड़े कर दिए उस गोल के ओवरऑल एक बहुत बड़े गोल के हमने छोटे छोटे जो है टुकड़े कर लिए अब ये डिसाइड किया जाएगा कि गोल को पूरा करने के लिए अचीव करने के लिए हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ज़रूरी है पर सबसे पहले इन तीन ऑब्जेक्टिव में से किसको अचीव किया जाए ठीक है तो ओ वन को अचीव किया जाए ओ टू को अचीव किया जाए ओ थ्री मैंने यहाँ पे वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है राइट तो पहले ये वाला पार्ट किया जाए या ये दूसरा वाला पार्ट किया जाए तीसरा वाला पार्ट किया जाए तो एक सीक्वेंस में ऑब्जेक्टिव को लगाया जाता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते सपोज नेट की प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले ही आप रिवाइज तो नहीं करोगे रिवाइज रिविजन विल ऑलवेज बी इन द एंड रिविजन भी एक ऑब्जेक्टिव है रिविजन

काम को एक एक टुकड़ा करके एक एक स्टेप करके स्टेप बाई स्टेप जो है कंप्लीट करते हैं इससे क्या होता है कि अफला तफली जिसे कहते हैं कंफ्यूजन क्योस नहीं मचता ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी रहती है बट देयर इज ऑल्सो कामनेस बिकॉज क्लैरिटी इज देयर कि हमने क्या करना है किस सीक्वेंस में करना है कब तक करना है राइट इट्स अ वेरी वेल द आर स्पेसिफाइड इन अ वेरी वेल मैनर कब तक करना है कितना करना है कैसे करना है एवरी थिंग इज वेरी वेल स्पेसिफाइड सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव आपने ऑब्जेक्टिव गोल को टुकड़ों में डिवाइड किया ऑब्जेक्टिव डिवाइड किया फिर वो मैनेजमेंट जो है सब अपने एम्प्लॉयज को कन्वे करिए कि हमने ऐसे 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 करना है इस चीज को पहले करना है फिर वो जो मैनेजर्स हैं अब मैनेजर्स भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पे हो सकते हैं टॉप लेवल पे भी कुछ मैनेजर्स होंगे नीचे वाले लेवल पे भी कुछ मैनेजर्स होंगे इस तो दिस, लेवल पे भी कुछ मैनेजर्स होंगे राइट फिर वो डिसाइड करेंगे कि अच्छा हमने ये करना है हमारी टीम के पास ये है इसको हम कैसे करें पहले क्या करें राइट तो दिस इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नाउ एम बी ओ डायरेक्ट्स द विजन एंड एफर्ट्स ऑफ ऑल मैनेजर्स टूअर्ड्स अ कॉमन गोल था जस्ट आई है मैंने आपको जस्ट यही बताया कि इससे क्या होगा कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने एफर्ट्स लगाएंगे टूअर्ड्स अ कॉमन गोल इट इन्श्योर डेट इंडिविजुअल मैनेजर इंडिविजुअल मैनेजर समझे क्या वॉट रिजल्ट आर डिमांडेड ऑफ हिम हर मैनेजर को समझ आता है कि मुझसे क्या रिजल्ट जो हैं एक्सपेक्टेड हैं क्या रिजल्ट जो हैं मुझसे डिमांड किए गए हैं क्योंकि उसको ये पता है कि ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्या है उसको फिर और आगे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू मैनेजर उसको बताया जाता है कि आपने इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी रहेगी तो एक जो भी उससे डिमांड है दैट इज वेरी वेल स्पेसिफाइड इट इंश्योर्स दैट द सुपीरियर अंडरस्टैंड वॉट टू एक्सपेक्ट ऑफ इच ऑफिसनेटर मैनेजर टोल्ड कि मैनेजर सिर्फ एक लेवल पे नहीं होते डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की है हायरार्की में बहुत सारे लेवल्स हैं तो सुपीरियर को भी पता है कि उसके नीचे वाले पर्सन से उसने क्या एक्सपेक्ट करना है ठीक है मतलब क्लैरिटी बहुत ज्यादा है सबको अपने objectives, अपने ऑब्जेक्टिव अपने अपने काम पता है और उन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो अपना काम डिसाइड करेंगे राइट सो एम्फोसिस इज ऑन टीम वर्क एंड टीम रिजल्ट ये जो मैनेजमेंट बब्जेक्टिव है इसका बेस क्या है टीम वर्क एंड टीम रिजल्ट्स तभी जो मैनेजमेंट है जो ऑब्जेक्टिव्स है स्टार्टिंग में ही शेयर कर रही है कि देखो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव करने हैं इतने टाइम तक अचीव करने हैं सो टीम वर्क और टीम रिजल्ट्स पे जो है स्ट्रेस है फॉर एम बी ओ टू वर्क अगर हम चाहते हैं कि एम बी ओ जो है वो अच्छे से काम करे जो कॉन्सेप्ट है इसका सक्सेस आए ईच मैनेजर शुड मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ गोल तो ऑब्वियसली अगर इसको सक्सेसफुल करना है जो उसको ऑब्जेक्टिव बता दे तो उसके अगेंस्ट ही वो अपने आप को मेजर करेगा ओके फॉर एग्जाम्पल अगर एक चैप्टर अगर सपोज पाँच दिन में करना है तो आप उसी के अगेंस्ट जो है अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस मेजर करोगे कि अच्छा अगर आपने सपोज वट जो भी यूनिट है सपोज जो, जो भी है पाँच दिन में करना है अगर आप चार दिन में कर लो तो इट इज़ वेरी गुड ठीक है पर अगर आप उसको चार दिन में नहीं कर पा रहे पाँच दिन में नहीं कर पा रहे ज़्यादा करो तो आप उसको तो मेजर कर सकते हो तो ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो गई परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज डन अगेंस्ट द गोल ये जरूरी है अगर एम को हमने सक्सेसफुल करना है देन ईच मैनेजर ऑफ लेवल इन इटि नीड्स टू अब ड्रकर कहते हैं हर मैनेजर चाहे वो बड़े लेवल पे हो चाहे वो बिल्कुल शॉप फ्लोर लेवल पे हो नीचे वाला जो सुपरवाइजर जो फोरमैन होता है वो हो उसको क्या करना है क्लियरली स्पेल आउट ऑब्जेक्टिव अपनी टीम को बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से ऑब्जेक्टिव स्पेल आउट करे बताए कि हमारे क्या गोल्स हैं कितने टाइम में हमें अचीव करने हैं राइट ले आउट वॉट परफॉर्मेंस ईच मैनेजर्स यूनिट इज सपोज टू प्रोड्यूस हर यूनिट अलग अलग यूनिट्स अलग अलग टीम्स हैं तो वो देखना कि हर टीम ने हर यूनिट ने क्या परफॉर्मेंस देनी है कितने टाइम में परफॉर्मेंस देनी है ठीक है इस चीज को मेजर करना एंड थर्ड क्या है व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस द यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू मेक ऊपर वाले में है परफॉर्मेंस वो कैसे परफॉर्म करेगी और उसकी आउटकम क्या रहेगी फाइनली उस जो टीम है जो डिपार्टमेंट है जो भी आपका यूनिट है उसने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करी वो क्या रही ठीक है एक तो हो गया खाली परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म कर रही है पर उसके आउटकम क्या निकली ठीक है इफेक्टिव भी है कि नहीं ये सब कुछ पता होना चाहिए सो ईच मैनेजर को ये स्पेसिफाई करना होता है क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए टीम की और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए सो मै एम बी ओ सब्सटीट्यूट्स सब्स्टिट्यूट सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स ओवर वेयर राइट सो एम बी ओ सब्स्टिट्यूट्स मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन विद मैनेजमेंट बाय सेल्फ कंट्रोल इससे पहले कहते हैं मैनेजमेंट बाय डोमिनेशन कोई ना कोई डोमिनेट कर रहा है ठीक है एम्प्लॉज को डोमिनेट कर रहे हैं मैनेजर्स है, इसको रिप्लेस किया गया मैनेजमेंट बाय सेल्फ कंट्रोल और बिकॉज एवरी वन इज अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव और उनको खुद को पता है कि मैंने इस ऑब्जेक्टिव में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है और कब तक मैंने इस ये जो काम है जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है तो वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं राइट तो इसलिए कहते हैं कि डिनेशन की नीड हट गई है एंड इट हैज बीन रिप्लेसड बाय सेल्फ कंट्रोल इट मेक्स पॉसिबल फॉर अ मैनेजर टू कंट्रोल हिस् परफॉर्मेंस एंड सेल्फ कंट्रोल ब्रिंग्स मोटिवेशन तो जब कोई डोमिनेट करने वाला नहीं है और आपके पास पावर है अपने परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की सेल्फ कंट्रोल जब है तो उससे मोटिवेशन आती है तो जैसे एक काम पाँच दिन में करना था आपने साढ़े चार दिन में कर लिया सो यू विल फील मोटिवेटेड बिकॉज ओनली यू आर रिस्पॉसिबल नो बड़ी इज फोर्सिंग यू क्योंकि मैनेजर्स का काम था बताना कि तुमने ये ये चीज़ इसी तारीख तक अचीव करनी है मुझे ये काम चाहिए तो अब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए अपने आप को कंट्रोल करने के लिए और अपना रिजल्ट देने के लिए तो इससे मोटिवेशन आती है राइट सो नाउ दिस वॉज ऑल द कंसेप्ट ऑफ एम बी ओ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव सो एम बी ओ क्या है इसके क्या बेनिफिट्स हैं इसका जो भी क्रक्स है वो सारा कुछ यहाँ पर आई हैव शेयर्ड आई हैव टॉट यू राइट नाउ लास्ट कंसेप्ट जो है दैट इज नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉलेज वर्कअप तो सबसे पहले नॉलेज वर्कर क्या है सो ड्रकर सेज एवरी एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉलेज वर्कर तो जो भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर जो भी मैनेजर है ठीक है एग्जीक्यूटिव है उसको वो नॉलेज वर्कर की तरह बोलते हैं उसको नॉलेज वर्कर के नाम से वो रेफर करते हैं सो इज़ अ नॉलेज वर्कर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट मटीरियल अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म एंड टू अचीव रिजल्ट तो हर एग्जेग नॉलेज वर्कर क्या है एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एग्जेगेटिव है जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है जो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आए राइट ना ड्रक कर नॉलेज को बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू uh, देते हैं और देनी चाहिए भी सो देन ही मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन राइट तो प्रोडक्टिविटी क्या है प्रोडक्टिविटी है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है ठीक है क्या मतलब आउटपुट निकल के आ रहा है प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे आई एम रेफरिंग टू टूट इज द आउटपुट तो ही सेल्स कि जब नॉलेज नॉलेज इज अप्लाइड टू वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू जब आपको ऑलरेडी पता है कुछ क्या करना है ठीक है आपको ऑलरेडी पता है क्या करना है और आप वही चीज कर रहे हो दैट इज प्रोडक्टिविटी ओके जो हमें नॉर्मल इंग्लिश में प्रोडक्टिविटी पता है ये वही वाली प्रोडक्टिविटी है ठीक है तो आपने कहीं कोई नई जगह जो है नॉलेज को अप्लाई नहीं करा आपको जो पता है जैसे लिखा है वैसे ही उसी नॉलेज को आपने वहीं पर अप्लाई कर दिया सो दैट इज प्रोडक्टिविटी राइट फॉर एग्जाम्पल आप आ, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसने जो पढ़ा कि ये प्रोग्राम ऐसे होता है इंस्ट्रक्शन बुक में लिखी हुई है एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो दैट इज़ प्रोडक्टिविटी राइट ना वॉट इज इनोवेशन नॉलेज इज अपलाईड टू टास्क एंड आर दैट आर न्यू एंड डिफरेंट ना उसी अगर कंप्यूटर इंजीनियर ने वो जो बुक में जो भी कोड वोड जो भी लिखा था उसको कुछ उसमें कुछ चेंजेस ला कर कुछ और करने की कोशिश करी कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने की वो कोशिश करता है कुछ नई किसी नई जगह पर उस कोड को अप्लाई करने की कोशिश करता है सो दैट इज इनोवेशन ओके वेन यू अपलाइंग योर एग्जिस्टिंग नॉलेज टू समिंग न्यू क्रिएटिविटी जब आप लेकर आ रहे हो काम में सो दैट इज इनोवेशन राइट तो वो कहते हैं कि नॉलेज वर्कर जो है वो इनोवेशन लेकर आता है ठीक है जितनी इनोवेशन नॉलेज वर्कर लेके आएगा उतना ही बेटर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए देन हीट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड डेटा ओके तो वट इज इन्फॉर्मेशन हीज डेटा एंड डोर्ड विद रेलिवेंस एंड पर्पज ओके नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी इजी एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कभी कभी क्या होता है यू विल सी एट सोशल मीडिया साइट या फिर मार्केट में आप कोई बुक लेने जाओ या आप कोई नोट्स लेने जाओ स्पेशली नोट्स के नाम पर बहुत उल्लू बनाया जाता है ओके okay? आपको uh, कुछ कुछ देर सम पीपल विल से देखो इसमें हर यूनिट के थाउजेंड थाउजेंड पेजेस के नोट्स हैं ओके स्पेशली पेपर वन के हर यूनिट के थाउजेंड थाउजेंड पेजेस के नोट्स हैं सो so, बट क्या आप क्या ये फिजिबल है क्या ये प्रैक्टिकल है कि आप हर यूनिट के लिए हजार हजार पेज पढ़ो नो कोर्स इट इज नॉट ओके एक 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 यूनिट के लिए आप 600 सौ सात सौ आठ सौ नौ सौ हजार पेज पढ़ो दैट इज नॉट फिजिबल दैट इज नॉट प्रैक्टिकल ठीक है गदा बनने वाली बात है ओके सो दैट इज डेटा वो क्या कर रहे हैं कहीं से भी कुछ भी मिला सब कुछ डाल दिया प्रिंट कर दिया कहीं से भी कोई क्वालिटी चेक नहीं है कुछ भी दैट इज डेटा अगर उन हज़ार पन्नों को उन हजार पेजेस को कन्वर्ट किया जाए सपोज टू हंड्रेड पेजेस के अंदर या फिर मे बी इससे भी लेस में जो रेलिवेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से जो जरूरी है ठीक है दैट इज इंफॉर्मेशन राइट तो जब हम डेटा को रेलिवेंट बना देते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पज जो भी उसने पर्पज सॉल्व करना है दैट इज इंफॉर्मेशन तो जो भी रैंडमली हमें मिल रहा है वो सारा क्या है डेटा आज के टाइम में डेटा की कमी नहीं है डेटा इज प्रेजेंट एवरीवेयर व्हाट इज लैकिंग इज इन्फॉर्मेशन क्या जो आपको सब कुछ दिख रहा है वो रेलिवेंट है कि नहीं वो आपका पर्पज सॉल्व कर रहा है कि नहीं सो इन्फॉर्मेशन इज वॉट इट इज राइट सो दिस इज इंफॉर्मेशन नाउ कन्वर्टिंग डेटा इंड टू इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स नॉलेज और जिसको हम स्पेशलाइजेशन भी बोल देते हैं अब वो हजार पन्नों की जो नोट्स है जिसमें सब कुछ किसी ने कहीं से कुछ भी डाल दिया है उन हज़ार पन्नों को सौ पेजेस में बदलना कौन बदल सकता है वही बदल सकता है जिसको पता हो कि पेपर में क्या आता है जिसने स्टडी किया हो कि क्या ट्रेंड है ठीक है जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज है उस एग्जाम के बारे में नॉलेज है वही उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता है तो सिमिलरली किसी किस एक रैंडम डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए नॉलेज चाहिए होती है स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है और यही काम करते हैं नॉलेज वर्कर्स ओके सो नॉलेज वर्कर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन दे ब्रिंग इनोवेशन और इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स मोर एफिशिएंट इट बिकम्स मोर इफेक्टिव राइट और ये हो गए नॉलेज वर्कर तो नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया जिसमें नॉलेज वर्कर्स काम कर रहे हैं जिस जो नॉलेज वर्कर्स को प्रमोट करती है ओके दैट इज नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन द नॉलेज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी जो नॉलेज वर्कर है ठीक है मतलब जो एग्जीक्यूटिव है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में वो कितना प्रोडक्टिव होगा ये ये बात निर्भर करती है छह चीजों पर छह बातों पर छह फैक्टर्स पर व्हाट आर दीज नंबर वन द टास्क टू बी परफॉर्म काम क्या करवा रहे हो आप उनसे राइट right? क्या पता किसी की स्पेशलाइजेशन किसी और चीज में हो और आपने उसको डिपार्टमेंट कोई और दे दिया किसी की स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में है एंड यू हैव हार्स दैट पर्सन दैट नॉलेज वर्कर टू वर्क इन द एच डिपार्टमेंट सो दैट फेक्ट हिज और हर प्रोडक्टिविटी सो काम क्या करवाया जा रहा है नंबर वन नंबर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि नहीं दी है या वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है नंबर थ्री अटोनमी कितनी दी है उसको इंडिपेंडेंस कितनी दी है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके या अपना काम खुद कर सके अपनी इनोवेशन कर सके अगर आपने उसको अटोनमी नहीं दी तो वो इनोवेशन कैसे करेगा आपने बोल दिया जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना है तो वो इनोवेशन कैसे लेके आएगा राइट सो फोर्थ इज कंटिन्यूस इनोवेशन एज आई वॉज टेडिंग इनोवेशन कितनी हो रही है आप उसको प्रमोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो दैट इज अनदर फैक्टर नंबर फिफ्थ इज कंटिन्यूस लर्निंग क्या वो वर्कर जो है नॉलेज वर्कर कंटिन्यूसली सीख रहा है कि नहीं सीख रहा कुछ ना कुछ उसे ऑर्गेनाइजेशन से सीखने को कुछ ना कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा राइट सिक्स इज क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो भी वो कर रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है सो दीज आर सिक्स फैक्टर्स कॉस्ट अब वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको सैलरी तो देनी पड़ेगी खर्चा तो ऑर्गेनाइजेशन का होगा ठीक है क्या पता है उनको दिन में दो बार आपको चाय कॉफी भी पिलानी पड़े ठीक है उनके बैठने का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा बट ऑर्गेनाइजेशन को इन नॉलेज वर्कर्स को एक खर्चे के रूप में नहीं देखना चाहिए एक कॉस्ट के परस्पेक्टिव से नहीं देखना चाहिए बल्कि एक एसेट के परपज से वेरी पॉजिटिव कि ये जो है एक वैल्यूएल uh, 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 है ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे आर मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रोडक्टिव दे आर मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव राइट सो नॉलेज वर्कर्स शुड बी सीन एज एन एसेट रादर देन एज अ कॉस्ट सो दीज विक्स फैक्टर्स इट एन माइंड बाय ड्रग नॉलेज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी ये था नॉलेज बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक ट्रकर से बहुत सिंपल आए हैं कि जैसे नॉलेज वर्कर का कॉन्सेप्ट किसने दिया या इनमें से सा कॉन्सेप्ट ट्रकर ने दिया है या नहीं दिया है सो वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट हमने ये जो है बहुत ज्यादा डिटेल में कर लिया है ताकि आगे आप कोई और एग्जाम भी दें तो उसमें भी आपको सारे लेक्चर्स जो हैं काम आते रहेंगे ओके सो दैट इज वाई एम गोइंग इन अ लॉट ऑफ डिटेल नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म अब क्रिटिसिज्म तो होती ही है ऑब्वियसली सो नंबर वन इनकी क्रिटिसिज्म की इस बात पे हुई क्योंकि हमें पता है कि ही वॉज अ वेरी बिग क्रिटक क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने खुद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था और इसलिए इनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया तो गाय एंड हिट एक हुए हैं देवर टू पीपल ही दे सेट दैट एक्सीलेंस एग्जिस्ट एंड हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड इन गवर्नमेंट गवर्नमेंट के अंदर एक्सीलेंस जो है पहले भी थी और रहती आई है ठीक है मतलब गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं ऑल्दो इट डज नॉट ऑलवेज टेक द सेम फॉर्म एज इन बिजनेस कहने का मतलब जो बिजनेस के अंदर एक्सीलेंस है और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस है दोनों के मतलब अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग होंगे बिकॉज बिजनेस का पर्सपेक्टिव हमेशा प्रॉफिट का रहता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है वो तो पीपल का वेलफेयर है तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो तो यही जो है आगे कहते हैं गायन हिटॉक कंटिन्यू करते हैं दैट दैट ड्रकर कंपेयर्स गवर्नमेंट इज इज एप्पल्स फ्रॉम बिजनेस ऑरेंजेस तो कहने का मतलब कि आप एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो बिकॉज एप्पल्स आर डिफरेंट ऑरेंजेस आर डिफरेंट तो आप दोनों को कंपेयर कैसे करोगे इट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज डिफरेंस ओवर आइट सिमिलैरिटीज डिफरेंस बहुत ज्यादा हैं सिमिलैरिटीज बहुत कम है फॉर एक्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लोग अगर मैं बोलूँ कि कोई फिश है और आपको फिश को बर्ड के साथ कंपेयर करना है तो दैट इज़ नॉट मेक इन सेंस ठीक है बर्ड एक होगा उसके अपनी क्वालिटीज़ होंगी इट कैन फ्लाई ठीक है उसकी बीक होगी अलग उसका सारा स्ट्रक्चर होगा एक फिश जो है फ्लाई नहीं कर सकती मे बी बट इट कैन स्विम सो so, उसके सारे फीचर्स जो है अलग होंगे तो इसलिए उन्होंने कहा कि, कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और है एक डिफरेंट चीज़ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और है आप इन दोनों को कंपेयर कंपेयर नहीं कर सकते हो मोर ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट सेट फॉर फेलियर बिजनेस अगर आप पब्लिक से टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली पब्लिक होगा, होगा. ठीक है ये वही बात होगी कि अगर मैं एक बर्ड को एक फिश के स्टैंडर्ड से टेस्ट करूँ कितना कि स्विम कर सकता है बर्ड ठीक है तो ऑब्वियसली बर्ड वेल राइट तो जो स्टैंडर्ड होने चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मेजर करने के लिए इनकी परफॉर्मेंस दे आर डिफरेंट यू कैनोट मेजर द

एंड ही ड्रकर क्या करते हैं कि आसपास पास ऑलरेडी जो बातें हो रही हैं उनकी कम्युनिटी में ठीक है उनको सुनते हैं पर सबसे पहले लिख देते हैं सो हिज क्वालिटी इज दैट ही राइट तो वो जो कॉन्सेप्ट्स है वो ऑलरेडी आसपास सराउंडिंग्स में है कोई ना कोई उनके आसपास जो लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ड्रकर उनको सुनते हैं और उनको लिख देते हैं और नाम जो है ड्रकर का हो जाता है और इस बात में को हाँ भरी मतलब इस बात को एग्री किया वॉरेन बेनेस ने वॉरेन बेनिस जो है खुद ड्रकर के स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने कहा कि ड्रकर की सबसे बड़ी क्वालिटी ही ये है ही इज अ वेरी गुड राइटर राइट right? तो so जोसेफ़ जिन्होंने जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया था तो उन्होंने कहा कि इनके पास जो क्वालिटी है खाली जर्नलिस्ट की क्वालिटी है जर्नलिस्ट क्या होता है कि आस पास रही है उसको रिपोर्ट करता है ठीक है वो खुद अपना दिमाग नहीं लगाता तो इट ही वाज क्रिटिसाइज कि जो भी इन्होंने कंसेप्ट दिए हैं जो भी वो बातें कर रहे हैं वो ऑलरेडी बाकी लोग भी कर रहे हैं इन्होंने उनको सिर्फ लिख दिया है ओके सो दिस वॉज अनदर क्रिटिसिजम ऑफ पीटेड uh, का फिर अगर हम एम के जो कॉन्सेप्ट है जिनका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है उसको भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली है सो so, कहा गया दैट एम बी ओ इज टेक्निक एंड हैज नो थियोरेटिकल फाउंडेशन खाली एक टूल है एक टेक्निक है मैनेजमेंट करने का इसकी कोई थियोरिटिकल फाउंडेशन नहीं है कोई सॉलिड बेस नहीं है कोई थियोरी पे जो है बेस्ड नहीं है एम बी ओ इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ऑफन कंपनीज वाइंड अप ओवर एम्फोसा कंट्रोल एज अपोज टू फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी टू मीट देयर गोल्स इम्प्लीमेंट कह तो दिया ऐसे ऐसे करो ठीक है फिर गोल्स को उसमें डिवाइड करो फिर सेल्फ कंट्रोल होगा सेल्फ मैनेजमेंट होगा बट इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है अक्सर जो कंपनीज हैं कोशिश करती हैं स्टार्टिंग में कि हम एम के हिसाब से चलें लेकिन एंड में क्या होता है उन्हें खुद कंट्रोल ही करना पड़ता है वो सेल्फ कंट्रोल वाली बात नहीं आती और कोई क्रिएटिविटी वगैरह जो है फॉस्टर नहीं की जाती प्रमोट नहीं की जाती थर्ड इज ड्रकर क्लेम्स एक किसी पर्सन ने कहा ना ड्रकर क्लेम्स इ सेंस ऑफ एम वर्क ऑब्जेक्टिव ठीक है मैनेजमेंट ने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से जो बाकी मैनेजर्स हैं जो बाकी एम्प्लॉय अपनेट कर लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बट ये uh, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं बट ही क्रिटिकली फेल्स टू गिव स्पेसिफिक प्रोटेक्शन टू सबिनेट इन एम बी ओ प्रोसेस अगेंस्ट सुपीरियर मैनिपुलेशन और आर्बिट्रेन मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट uh, जो है उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमने टू मंथ्स में इनको अचीव करना है फॉर एग्जांपल राइट या फिर सिक्स मंथ्स में हम सिक्स लगा कर चले मंथ्स में हमें इनको अचीव करना है अब एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स है एज ए टोल्ड यू मैनेजमेंट के ठीक है अब हमने कहा कि हर मैनेजर को अपना अपना रोल पता है और वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने गोल्स अपने ऑब्जेक्टिव को डिवाइड करने में कि ओके okay, जैसे मैंने आपको कहा कि आप डिसाइड कर सकते हो सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो कि ओके okay, मैं एक यूनिट इतने टाइम में कवर करूंगा फॉर एग्जाम्पल लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इस लेवल पर जो एम्प्लॉय uh, हैं जो डिसाइड मैं इतना करूँगा उसको अप्रूव ही ना करे उसका सुपीरियर ठीक है बिकॉज सुपीरियर का काम क्या है सुपरवाइज करना ऑर्डर भी दे सकता है सुपीरियर ठीक है तो आप क्या कर लोगे अगर आपको सुपीरियर ही आपको सपोर्ट नहीं करेगा आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसको ना कर देगा उसको इग्नोर कर देगा या उसको डिनाई कर देगा सो वट विल डोज जो जूनियर मैनेजर्स और जूनियर एम्प्लॉय डू तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ भी जो है ड्रकर ने बात नहीं कही है ये एक क्रिटिसिज्म आया MBU के आयाप्ट का राइट सो ब्रॉड क्रिटिसिज्म या क्रिटिक जो आया है पीटर ड्रकर का और उनके कॉन्सेप्ट का राइट बट ऑल इन ऑल अगर हम बोल रहे तो ऐसे हम किसी भी थिंकर थिंक कॉन्ट्रीब्यूशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जितने बच्चे नेगेटिविटी हो जिसने बहुत अच्छा काम भी दिया हो तो उसको भी क्रिटिसाइज किया ही जाता है ठीक है जो इनके कॉन्सेप्ट देवर मोर वैलिड इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीटर ट्रक इसमें कोई भी uh, हर्ज नहीं है राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीटर ट्रक सो वी हैव डन एक फटाफट से दोबारा हेडिंग्स देख लेते हैं जो हमने किया मैनेजमेंट इज जेनरिक नंबर टू व्यूज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट क्रिटिसाइज किया बहुत ज्यादा नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एजेंसीज नंबर फोर रिस्ट्रक्चरिंग गवर्नमेंट नंबर फाइव एम बी ओ एंड नंबर सिक्स नॉलेज बीस ऑर्गनाइजेशन एंड नॉलेज वर्क इन द लास्ट थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी जो है ड्रकर की हमने देखी राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट पीटर ड्रकर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से हमने इसको जो है कवर किया है ठीक है एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा और अपने नोट्स जो है खुद बना लीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग की प्रिपेयरिंग हार्ड एंड स्मार्ट देन टेक केयर